राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की हिमाचल शाखा ने दिव्यांगजनों को रोजगार दिए जाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए संघ को अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए 23 दिन गुजर चुके हैं, मगर अभी तक सरकार ने इनकी बात नहीं सुनी। इसी कड़ी में गुरुवार को एक बार फिर हिमाचल प्रदेश सचिवालय के बाहर दृष्टिबाधित संघ के लोग पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर हुंकार लगाई। दृष्टिबाधित संघ का कहना है कि सरकार जल्द उनकी मांगों का संज्ञान ले, अन्यथा और उग्र रूप में आंदोलन होगा। बढ़ती सर्दी के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, मगर जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। आज 23वें दिन में हमारा जो आंदोलन है 23वें दिन में है। मैं राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ हिमाचल शाखा का जनरल सेक्रेटरी देवचंद्र नेगी बात कर रहा हूँ। और हमारी जो मांगे है, हमारी जो बैकलॉग के संदर्भ में मांगे है, जो बैकलॉग 31 दिसंबर तक भरा जाना है उसमें कुछ त्रुटियाँ हैं, उन त्रुटियों को दूर करने के लिए मैं कल माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस भी गया, चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस भी गया और मुझे वहाँ से कहा कि अभी 18 तारीख तक तो मुख्यमंत्री जी नहीं मिल रहे, उसके बाद आपके डेपुटेशन को समय दिया जाएगा। तो हमारा आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक इन बेरोज़गारों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है। हम चाहते हैं कि जो बैकलॉग है वो सारा एकत्रित करके भर्ती मेले के रूप में उसको भरा जाए और 35 वर्ष से ऊपर जिन लोगों की आयु 35 वर्ष से ऊपर ज़्यादा हो चुकी है उन्हें क्वालिफिकेशन में गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दे रखी है और करुणामूल आधार पर उन लोगों को भी जो बिल्कुल बेबस है, मजबूर है, लाचार है, उन लोगों को भी सरकार सोचे, करुणामूल आधार पर उनको रोज़गार दे। और तीसरा पॉइंट हमारा जो मेन है वो जो हमारे दृष्टिहीन कर्मचारी है जिनकी सेवानिवृत्ति की आयु पिछली कांग्रेस सरकार ने 60 वर्ष की थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4 नवंबर को 2019 में इसको घटा करके 58 किया है। हमारी ये मांग है कि उसको दोबारा पुनः 60 किया जाए, क्योंकि दृष्टिहीनों की अभी देख रहे हैं आप यहाँ पे कई 40 के कई 42 की नौकरी भी अभी तक उनको हासिल नहीं हुई है और जब तक वो लगेंगे, जब तक वो अपने पैरों पे खड़े हो पाते तब तक उनकी रिटायरमेंट की आयु जो है निकट आ जाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली इत्यादि में 60 वर्ष है, यहाँ पर भी प्रदेश में 60 वर्ष की जाए। काफी आप 22 दिन से आंदोलन, असली तौर पे तो कोई नहीं है, मैं स्वयं से पिछले कल गया था। बाकी इसके अलावा अगर सरकार से का नुमाइंदा कहे कि भाई हमें परे डीसी ऑफिस मिलने आया तो ऐसा कोई भी व्यक्ति अभी तक नहीं आया। आप दिन रात वहाँ बैठे हैं, कितनी मुश्किलें हो रही हैं बाबा जी? कठिनाई का दौर है, सर्दी का समय है इस वक्त, तो हमारे ये बेरोजगार साथियों का निर्णय है कि हमें कितनी भी कठिनाई, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम अपना जो आंदोलन है वो इसी प्रकार से चलेगा। और इसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुनाए, हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है, 3 दिसंबर को वर्ल्ड विश्व विकलांग दिवस के उपलक्ष्य पर हमारे सारे साथी लोग हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बाहर से उत्तर भारत से तमाम राज्यों से लोग यहाँ पर आएंगे, एक बड़ा आंदोलन का आगाज़ यहाँ पे होगा 3 और 4 दिसंबर को। क्या होगा उसमें जो आंदोलन होने जो 3 और 4 दिसंबर को जो आंदोलन है, पहले तो हमारा यही शांतिपूर्वक मार्च यहाँ तक रहेगा और उसके बाद अगर सरकार सुनवाई नहीं करती है, पुलिस प्रशासन का सहयोग मिल रहा है, मैं पुलिस प्रशासन से भी निवेदन चाहता हूं कि वो हमारी आवाज़ को अंदर तक पहुंचाए, हमारी बात को रखे। और बाकी जो आपने पूछा कि उस दिन क्या होगा, तो उस दिन रोड रोको से लेकर ट्रैफिक से रोकने से लेकर और आगे भी अगर बात नहीं मानी जाएगी तो क्रमिक अनशन, अमरण अनशन तक हम जाएंगे। कितने टाइम से जो है वो ये नहीं हो पाया आपका बैकलॉग, कितना टाइम हो गया, कितने साल हो गए हैं? बैकलॉग 2008 में भर्ती मेला लगा था और उसके बाद जो है वेलफेयर डिपार्टमेंट ने विभागों को अभी
पिछले महीने में ही चिट्ठियाँ दी है, उन्होंने लिखा कि आप अपने स्तर पर भरो। उसमें क्या हो रहा कि दो दो तीन तीन पोस्टें भरी जा रही है और कईयों का नंबर पाँच पाँच छः छः लग रहा जगह लग रहा है। जैसे कि एक उदाहरण दूँ मैं, पिछले वर्ष फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क की पोस्ट पे कुछ लोग नियुक्त हुए थे और वही व्यक्ति एजुकेशन में भी नियुक्त हो गए। उन्होंने लिख के दे दिया कि हमारी नियुक्ति यहाँ पे होगी, लेकिन 15 दिन के अंदर अंदर जो उनका नीचे वेटिंग पे होते हैं उनका नंबर आना चाहिए था, लेकिन एक साल हो गया लेकिन वेटिंग वालों को नंबर नहीं मिला। ठीक है।